नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। टॉक्स ऑन तंत्र का दूसरा एपिसोड, विषय है माला का प्रयोग। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं और जो तंत्र साधना करते हैं, उनको ज्ञात है कि माला अत्यंत उपयोगी होता है तंत्र साधना में। लेकिन जितने शास्त्र बढ़ते गए, जितने नए नए तरीके के शोध पद्धति और अज्ञानियों द्वारा साधना विधि बताई गई, कालांतर में मालाओं को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। उसमें भी जो बड़े इंटरप्राइज हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कॉरपोरेट जैसे, उन्होंने काफी भ्रांतियां मालाओं को लेकर फैला दी हैं। तो 99% लोग जो है वो माला का प्रयोग गलत करते हैं। आज का जो वीडियो है ये दक्षिण मार्गी तंत्र के हिसाब से है, अघोर के हिसाब से माला का प्रयोग मैं अलग से बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर तंत्र के हिसाब से हम मालाओं के प्रयोग के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की मालाओं का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो तंत्र मार्ग में सबसे उपयोगी माला है वह है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला में जो पंचमुखी रुद्राक्ष है उसको ही जाप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद अलग अलग मुख का जो रुद्राक्ष होता है उसका अलग अलग प्रयोजन होता है। रुद्राक्ष की माला को थोड़ा तीव्र करने के लिए बहुत लोग उसमें तीन मुखी रुद्राक्ष लगाते हैं क्योंकि वो सिद्धिदायक होता है। बाकी जो और मुख के रुद्राक्ष हैं वो भले ही मिल जाए लेकिन जाप में उसका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा जो तंत्र में प्रयोग होने वाला माला है वो है स्फटिक का माला। स्फटिक का जो माला है ये देवी के लिए प्रयोग होता है, भगवती दुर्गा के लिए, भगवती लक्ष्मी के लिए, भगवती सरस्वती के लिए, है ना। इसमें और रुद्राक्ष में एक समानता है। क्या समानता है? समानता यह है कि कालाग्नि रुद्र जो है दोनों के ईष्ट है, दोनों में दोनों के जो देवता है वो कालाग्नि रुद्र है। तो जो काम रुद्राक्ष से होता है वही स्फटिक से भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी पंचमुखी ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। जब आप भगवती का जाप करते हैं, देवी दुर्गा का या सरस्वती का, काली का, तो सूर्योदय से पहले आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं और सूर्योदय के बाद जब भी आप जाप करेंगे, जब तक कोई विशिष्ट साधना ना हो तब तक जो माला है वो स्फटिक ही रहेगा। इसमें एक विषय और है, तीसरा, जो तांत्रिक प्रयोजन में आज के दिन में प्रयोग कर रहे हैं लोग भगवती काली और भैरव के लिए, अगर वो अघोर पद्धति में है तो ठीक, वरना हकीक की माला का प्रयोग वर्जित है। हकीक का माला, या इसको उर्दू में कहते हैं अकीक, ठीक है, अकीक का माला हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे तंत्र में इसका कोई जगह नहीं है, ठीक है। अघोर में जो साबर प्रयोग करते हैं उनके लिए हकीक का माला प्रयोग का है। अच्छा, अब आते हैं इसके अलावा क्या क्या मालाएं होती हैं। तो जो रुद्राक्ष और स्फटिक के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है वो है तुलसी का माला। जब आप विष्णु का कोई, विष्णु या राम, इनका जब आप जाप करते हैं, विष्णु या राम,
तो आप तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं, सफेद चंदन का भी प्रयोग इन दोनों की साधना में होता है। लेकिन जब आप कृष्ण जी की साधना करते हैं तब आपको वैजंती की माला का प्रयोग करने बोला जाता है, ठीक है ना? चंदन की माला दो प्रकार की, एक लाल और एक सफेद। अभी जो बाजार में मिलता है वो ज्यादातर लाल चंदन होता है, और हम लोग लाल चंदन को लेकर के उससे भी जाप करते हैं। लाल चंदन से भगवती का जाप होता है, गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा का जाप जो है वो मुख्य रूप से लाल चंदन से किया जाता है, और इससे मंगल ग्रह का जो दोष है वो भी शांत होता है। फिर जैसे 10 महाविद्या की का आप साधना कर रहे हैं तो हल्दी की माला हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बगलामुखी भगवती के लिए हल्दी की माला, गणेश भगवान और बृहस्पति देव के लिए भी इस माला का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो दो माला कभी कभी प्रयोग होता है, एक होता है मोती का माला, ठीक है? तो मोती की माला में जाप कम किया जाता है, उसको धारण कर लिया जाता है, और मूंगे की माला, ठीक है? तो मूंगे की माला क्या है कि वो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए प्रयोग होता है। अगर सफलता नहीं मिलती है, आज के दिवस में ज्यादातर जो लोग हैं उनको सूर्य की कृपा नहीं होने के चलते सबसे ज्यादा जो है कठिनाइयों की का सामना करना पड़ता है। तो जो कृष्ण भगवान के लिए वैजंती माला का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग आप सूर्य के जाप के लिए कर सकते हैं, या फिर आप बेल की जो लकड़ी होती है उसका एक माला बना ले टुकड़ों का और उससे जाप कर सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट है, इसके बाहर कोई भी माला तंत्र दक्षिण मार्गी तंत्र में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? रुद्राक्ष की माला का सबसे ज्यादा प्रयोग है। आप अगर भैरव जी की साधना करते हैं, आप अगर हनुमान जी की साधना करते हैं, आप अगर दुर्गा जी की साधना करते हैं, आप काली की साधना करते हैं, आप छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं, आप भगवती काली आद्या की साधना करते हैं, तारा की साधना करते हैं, सब में रुद्राक्ष उपयोगी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष को हम लोग गणना में नहीं लाते हैं, और हम जो है उसके जगह स्फटिक को रखते हैं। बाकी देवी देवताओं के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी माला प्रयोग होती है। इसके अलावा कोई अगर माला प्रयोग होती है तो वो यक्षिणियों की साधनाओं में एम्बर एक तत्व होता है, जिसको जो लाल रंग का आता है, कचकड़ी की तरह दिखता है, उसका प्रयोग होता है। वो एक तरह का ला होता है। मूंगा भी जो है, मूंगा तो खैर समुद्र से निकलने वाला एक पत्थर है, लेकिन एम्बर जो होता है वो एक तरह का गोंद होता है, और उसको फिर सॉलिडिफाई करके एक माला बनाई जाती है। ये बहुत पुरानी पद्धति है, और इस पद्धति से जो माला बन के तैयार होती है अलग अलग रंगों में, उस पे यक्षिणी की साधना होती है, ठीक है? अब देखिए, हम लोग 3 समय में जाप करते हैं। एक सुबह के समय जाप करते हैं, हम जो है जो भैरव की साधना करते हैं वो कोशिश करते हैं कि संध्या में 12 से 3 साधना करें, और उसके बाद और भैरव जो साधक है, जो तांत्रिक साधक है, वो क्या करेंगे, वो संध्या के बाद या रात्रि में साधना करते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से कहीं भी माला रख करके ये जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जब आप सुबह में जाप करते हैं तो आपका जो माला है वो आपके नाभि के पास होना चाहिए, ठीक है? जब मध्याह्न में मतलब 12 से 3 आप जाप कर रहे हैं तो आपके हृदय के पास आपकी माला होनी चाहिए, और अगर शाम में या रात में आप जाप कर रहे हैं तो आपके मुख के पास आपकी माला होनी चाहिए। ये 3 पोजीशन है जिसमें आप माला रख करके जाप करते हैं, ठीक? अब इसके आगे आते हैं। जब आप जाप करते हैं तो जाप क्यों करते हैं? जाप करते हैं ताकि गिनती रहे हमारे पास, ठीक है? तो जब आप गिनती करते हैं तो बहुत लोग याद रखते हैं कि अच्छा, मैंने आज 1,000 जाप किया, आज 2,000 जाप कर लिया, आज 3,000 जाप कर लिया, तो ये गणना का मतलब नहीं रहता है। बहुत लोग आजकल मैं देखता हूँ रोमन लेटर्स में लिखते हैं, 5 ऐसे ऐसे लकीर खींची फिर काट दिया तो वो 5 संख्या हो गई, ऐसे जितना भी करते गए वो 5 5 5 गिनते गए कॉपी में, वो भी नहीं मान्य होता है। गणना जब भी जाप का होगा ना, तो चाहे तो वो लाख के टुकड़े से होगा, जो लाख लहठी में लोग पहनते हैं,
कूस से होगा या फिर सिंदूर से आप अगर लाइन बनाते हैं तो वो भी मान्य होता है। सूखा गोबर का बहुत लोग छोटे छोटे दाना रखते हैं और वो दाना भरते गए तो उतना 1,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये वो जाप की गिनती होती है। तो जाप की जो गिनती होती है, जब आप लाख करें 1.5 लाख करें तो ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जाप कर रहे हैं ना, तो आपका जो रिंग फिंगर है उसमें चाहे तो एक सोने की अंगूठी रखें, अगर सोने की अंगूठी नहीं रख सकते हैं तो कूसे की एक अंगूठी बना करके उसको पहने, ठीक है। अब आते हैं कि जाप करें कैसे। जाप तीन प्रकार से हम करते हैं, एक को कहते हैं वाचिक जाप, एक को कहते हैं उपांशु जाप और तीसरे को कहते हैं मानसिक जाप। ये जब आप तंत्र में करते हैं तो ये तीनों पद्धति से आपको जाप करना होता है। किसी भी मंत्र को जब शुरू करते हैं तो वो वाचक होता है, गायत्री के अलावा। वाचक जाप क्या होता है? वाचक जाप होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो लोगों को सुनाई दे रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो लोगों को सुनाई दे रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, लोगों को सुनाई दे रहा है। ये शुरू के 6 महीने करना चाहिए। फिर 6 महीना उपांशु जाप करना चाहिए, मतलब कि इस जाप को ऐसे किया जाता है कि कोई और नहीं सुन सके। आपका होंठ हिल रहा है, आपकी जिह्वा हिल रही है, लेकिन आप जाप कर रहे हैं, वो कोई नहीं सुन पाता, सिर्फ आप सुनते हैं। और तीसरा होता है मानसिक जाप, इसमें होंठ का हिलना वर्जित होता है। जब ये मानसिक जाप आप 6 महीने कर लेते हैं तो आप एक मंत्र को परफेक्ट कर लेते हैं। किसी भी मंत्र को मानसिक तौर पर जाप करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आप एक जाप में परफेक्शन पे पहुंच गए हैं, ये तब पता चलता है जब आप त्रुटि विहीन मानसिक जाप कर लेते हैं। मंत्र जाप करने का उद्देश्य होता है कि मानसिक जाप में आप उत्तीर्ण हो। ये समझिए कि मंत्र होता क्या है। मंत्र शब्द है, शब्द मतलब ईश्वर, ये स्वर ही परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। हर शब्द का अपना एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन जो है आपके मस्तिष्क में जो सुप्त अवस्था में जो ग्रंथियां हैं उनको जागृत करती है। तो जैसे जब आप हनुमान जी का जाप करते हैं तो नौ निधि के दाता, जो नौ विशेष शक्तियां आपकी जागृत होती हैं, कलयुग में एक होती है, वो कैसे होती है? ऐसा तो है नहीं कि आपके शरीर में एक अलग से कोई मशीन लगा दिया जाता है या कुछ अलग से शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है जिससे कि आप अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे साधकों के बारे में आपने सुना होगा जो एक समय में दो जगह पे रहते हैं, ऐसे साधक जो शरीर छोड़ के घूमते हैं, ऐसे साधक की अगर उन्होंने बोल दिया तो वो होना ही है, उसका कोई काट नहीं है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपका जो ब्रेन है जिससे आपकी चेतना जुड़ी हुई है ये फुल्ली फंक्शनल हो जाए, और मंत्र उच्चारण जो है इसी ब्रेन को फंक्शनल करने का एक तरीका है। योग में जब भ्रामरी करते हैं तो सारे द्वार को बंद कर लेते हैं, ठीक है, सारे द्वार को, नासिका को भी बंद करते हैं, आंख को भी बंद करते हैं, जो त्रिनेत्र है उसको बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं, बाकी बंद लगाते हैं शरीर पे ताकि पूरा बंधन लग जाए शरीर पे। तब तालू को, जो आपकी जिह्वा है, इसको हम लोग ऊपर खेचरी मुद्रा में ले जाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ऐसा करने का कारण ये है कि जो ओम का जो वाइब्रेशन है वो सीधे ब्रेन पर चढ़े और ब्रेन पे वो वाइब्रेशन अपना असर दिखाए। तो जब आप मंत्र करते हैं, मंत्र का पहला उद्देश्य ये होता है कि आपके ब्रेन को वो जागृत करें, और ब्रेन जागृत होता है वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन तभी होगा जब आप अजपा करेंगे। जब आप वाचिक करते हैं
तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगता है। ठीक है, जो भी चीज हो आपके वातावरण में, जो दूषित चीजें हो वो गायब हो जाती हैं। जब उपांशु करते हैं तो आपका तेज बढ़ने लगता है और आपके आसपास एक कवच का निर्माण होता है। और जब आप तीसरे स्थिति में पहुंच जाते हैं, मानसिक जाप का, तब आपका जो सिक्स सेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी स्थिति में जब आप लक्षिणवर्ती तंत्र कर रहे हैं तो आपके हाथ में चाहे तो करमाला पे जाप चालू होना चाहिए या आपके हाथ में एक माला होनी चाहिए। अघोर में ऐसा नहीं है, लेकिन दक्षिण तंत्र में माना जाता है कि अगर आप देवता के सामने बिना माला के जाप कर रहे हैं या बिना करमाला के गिनती के जाप कर रहे हैं तो वो असुर भाग होता है। वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी तंत्र में बहुत अंतर होता है। मैं जब तंत्र पर विश्लेषण देता हूं तो मैं इस हिसाब से देता हूं कि गृहस्थ अपने घर में इस साधना को कर पाए। ठीक है, तो माला अनिवार्य होता है, हमेशा माला रखे। अच्छा, जब आप माला को का प्रयोग कर रहे हैं तो माला हमेशा ढक के प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि मैंने पहले भी इसको वीडियो में बताया है कि गायत्री मंत्र जो है वो कभी भी वाचिक नहीं होता है। गायत्री मंत्र को कोई और ना सुन सके हमेशा। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें कि वाचिक नहीं होता है, तो आप उसका उद्घोष नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर उद्घोष करे तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र आप जिसके मुख से सुनते हैं वो आपका गुरु तुल्य हो जाता है, वो गुरु आपका हो जाता है। ठीक है ना, जब भी आप जाप कर रहे हैं तो माला को एक कपड़े से ढक के रखे। ठीक है, आप गोमुख रखे। कैसा गोमुख रखे? एल शेप का गोमुख आता है। ठीक है, ये जो ईस्कॉन वाले जो है, जो अंग्रेजों को बांट रहे हैं, उसको गोमुख नहीं मानते हैं, वो गोमुख नहीं होता है। गोमुख होता है एल शेप में, उल्टा एल जैसा बना हुआ रहता है, एक तरफ से आपका हाथ उसमें जाता है और माला नीचे की तरफ लटका रहता है। ठीक है, तो उस गोमुख में ही जाप करना चाहिए, यही सर्वोत्तम होता है। अगर वो नहीं है तो कोई साफ कपड़े से अपने हाथ को ढक ले ताकि माला किसी और को ना दिखे। ये जो कपड़ा आप ढकते हैं इसको हमेशा साफ रखें, लेकिन भींगा नहीं रखें। मान के चलिए कि आप भींग गया है तो उसको आप फिर कैसे प्रयोग करेंगे? तो ऐसा एक उपाय है कि अगर आप 7 बार उसको हवा में झाड़ दें तो उसको सूखा मान सकते हैं आप, लेकिन ये हमेशा नहीं प्रयोग किया जाता है। ये कभी कभी इस उपाय का प्रयोग करेंगे, हमेशा माला को ढक के रखें। जाप होने के बाद भी माला को ढक के रखें, माला को कभी पृथ्वी पर सटने ना दें। ठीक है, अब आते हैं कि जाप, जब माला आपके हाथ में है तो आप कैसे जाप करते हैं? तो 99% जो हिंदू हैं वो माला का जाप गलत करते हैं जो दक्षिण तंत्र में है। कैसे करते हैं? वो हरे कृष्ण स्टाइल में। हरे कृष्ण ने जितना हिंदू सनातन धर्म को हैम्पर किया है उतना तो किसी ने नहीं किया है, शायद मुसलमानों ने भी नहीं किया। मुसलमान तो अपना धर्म, जो मुगल थे वो अपना धर्म प्रमोट करते थे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में घुस करके हिंदू धर्म को बरगलाया है, जैसे आर्य समाजियों ने किया। गीता का इनका एक अपना ट्रांसलेशन है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो मतलब शास्त्र से शास्त्र सम्मत ही नहीं है। ठीक है, ये जो माला घुमाते हैं वो भी गलत है। अंगूठे से कभी जो है आप माला को नहीं घुमा सकते हैं। तो कैसे घुमाते हैं? तरीका ये है कि आप अपने रिंग फिंगर पर माला को रखेंगे। ठीक है, उसको फिर आप अपने अंगूठे से दबाएंगे। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है उससे माला चलता है। ऐसे आपको जाप करना चाहिए। अभी तक मैक्सिमम लोग जो है वो मिडिल फिंगर पे रख के और थंब से जो है अंगूठे से माला को चलाते हैं। दक्षिण तंत्र में या घर की पूजा में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है रिंग फिंगर पर माला को रख के अंगूठे से उसको सपोर्ट देना चाहिए और फिर मिडिल फिंगर से जाप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया माला का बात। ये माला, ये जो है ये घर में आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी तांत्रिक विधान कर रहे हैं, उसमें इसी तरीके से जाप करना चाहिए। इसके अलावा कोई जाप का विधान नहीं है। ठीक है, तन जब आप अघोर साधना करेंगे तो
थोड़ा एक अलग विधान आता है मंत्र जाप का, लेकिन मूलभूत रूप से मंत्र जाप का यही विधान है। ठीक है, रिंग फिंगर पे माला को रखा, थंब से उसको सपोर्ट किया और मिडिल फिंगर से उसको जाप किया। एक बार सुमेरु तक पहुंच गए, गुरु पर्वत तक पहुंच गए, तो फिर माला को उलट लिया और फिर उससे जाप किया। ठीक है, आप जब जाप करते हैं तो घर में जब जाप करते हैं तो 108 माला जब आपने जाप किया तो उसका 108 का फल आपको मिलता है, जिसमें 8 गुरु को जाता है। ठीक है, अगर आप गौशाला में जाप करते हैं तो एक माला का जो फल है वो 100 माला के बराबर होता है। अगर कोई पुण्य भूमि है वहां पर आप जाप करते हैं या वाटिका है तो 1000 गुना आपको जाप का फल मिलता है। जो आप देखते हैं कि ऋषि मुनि जो है हिमालय में रहकर जाप करते हैं, क्योंकि उस जाप का जो फल है वो 10,000 गुना होता है। एक जाप का जो मतलब है वो 10,000 जाप होता है। नदी के तीर पर, ठीक है, मतलब अभी ये नाले जैसा नदी नहीं, जो भव्य नदी हो उसके तीर पर जब आप जाप करते हैं तो 1,00,000 गुना, एक एक जाप किया तो 1,00,000 का फल आपको मिलता है। अगर किसी देवालय में, किसी देवता के सामने मतलब ऐसे ही रोड साइड में कुछ बना दिया है और उसको मानने लगे हैं, उसमें ना विधि विधान से पूजा होता है, ना देवता को नैवेद्य चढ़ता है, ना कभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, तो ऐसे स्थान पर नहीं, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, प्राण चाहे तो वो तंत्र मार्ग से दिया गया हो या वैदिक मार्ग से दिया गया हो, और वहाँ जो 4 समय की पूजा हो वो होती हो, जाप होता हो, हवन होता हो, ऐसे देवालय में जब आप करते हैं तो 1 करोड़ गुना आपको लाभ मिलता है। और ऐसे शिवालय में अगर आप करते हैं तो इसका जो है अनंत गुना आपको लाभ मिलता है। अच्छा, दूसरा है कि माला आपने खरीद के लाया तो फिर उसको क्या करना है, माला को धो लीजिए सबसे पहले, दो तरीके से। ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा विधान है, लोग बोलते हैं पंचगव्य में धोइए, पंचामृत में धोइए, ये करिए, नहीं, कम से कम उसको पानी और गंगा जल से धो लीजिए। ठीक है, और सबसे आसान, देखिए धोने का कारण क्या होता है, धोने का कारण ये होता है कि जब आप किसी माला को लेते हैं, माला की खासियत क्या, मैंने पहले भी बताया, माला में कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सके, इसीलिए माला में जाप करते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल्स का भी यही एक क्रिस्टल के अलावा रुद्राक्ष में ही ये एक गुण होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी को फ्लो करवाता है। ठीक है ना, तो माला को जब भी कोई छूता है तो उसका भाव, उसकी शक्तियां जो है उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उसमें आ जाती है, इसको हटाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा विधान है कि उसको आपने धो लिया, उसके बाद धूप जला लीजिए। ठीक है, धूप जला करके उसके ऊपर जो गुरुमुख है ना, जो 109वां जो मन का है, उसको पकड़ के खड़ा रखिए, ऐसे झूला दीजिए उसके ऊपर। आप देखिएगा कि अगर उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी या आपके लायक ऊर्जा नहीं होगी तो वो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और जैसे ही वो ऊर्जा, वो धुआं से जो भी ऊर्जा होगा ना वो उससे हट जाता है, और जैसे ही वो सारी ऊर्जाएं हट जाएंगी और वो मंत्र जाप करने के लायक वो माला हो जाएगा, तो यही जो माला है जो एंटी क्लॉकवाइज अभी घूम रहा था वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ठीक है, अब अभिमंत्रित कैसे करते हैं माला को, देखो ऐसे तो जाप से अभिमंत्रित होता है, देवता को स्पर्श से भी अभिमंत्रित हो जाता है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन अगर भगवती का जाप करते हैं, भैरव का जाप करते हैं, महादेव का जाप करते हैं, तो आप देखिएगा जो नवारण मंत्र के पहले जो विधि है उसमें एक मंत्र है, ओम माम माले महामाया सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्थना तत्समा सिद्धिदा भवा, ओम अव्यग्नि कुरु माले तम गृहनामि दक्षिण कर जप काले सिद्ध्यर्थम प्रसीदमं सिद्धये। इस मंत्र से आप जो है अपने माला को जो प्रतिष्ठित कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा जब आप जाप करते हैं ना तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर हिलता है। ठीक है, हम मतलब लगता है जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जाप में निषेध होती हैं। ठीक है, आप जाप करते टाइम आपको मेरुदंड को सीधा रख के चाहे तो बैठिए, अगर आप असहज हैं, आप पालथी मार के नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठिए। लेकिन अगर आप बैठ गए और आप एक माला आपने जाप करना शुरू कर दिया तो शरीर में आपकी उंगलियों के अलावा और आपके आंख के पलक के अलावा किसी भी तरीके का मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो जाप नहीं माना जाता है। पहला विषय। दूसरा
दूसरा, जाप करते समय अगर बोल दिया, मतलब जाप भी कर रहा है, मतलब राम राम राम, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, फिर राम 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 राम, अरे ये सामान वहां रख दो, राम 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 राम, तो ये भी जाप मान्य नहीं होता है। एक माला के बीच में आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बात कर दिया तो फिर से वही पेंसिलीन वाली बात है, अगर आपने बीच में कुछ बोल दिया तो फिर आपको क्या करना होगा, आप जिस भी देवता का जाप कर रहे हैं, जैसे महादेव का जाप कर रहे हैं, तो माला को हाथ में पकड़ और फिर से महादेव का नाम ले, करचरण कृतम्बा काय जम ग्रम जम्बा शवन जम्बा मानसम वा परातम विहितम विहितम वा सर्वम एतच्छम स जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभु। एक मंत्र ऐसा मैंने आपको बता दिया है ना। तो किसी भी देवता का आप जिनका भी जाप करना है उनका एक बार स्मरण करें और फिर से एक से वो जो है जाप शुरू करते हैं, ठीक है। अगर बहुत बार क्या होता है कि किसी भी कारणवश हाथ से माला गिर जाता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो इसमें बहुत परेशान होने का विषय नहीं है, इसमें बहुत चिंतित होने का विषय नहीं होता। अगर माला आपके हाथ से गिर गया ना, तो बस उस माला को उठाइए, उसको धोइए और 108 के बदले आपको दो माला करना होगा। अगर एक माला कर रहे थे तो आप दो माला करेंगे, अगर 10 माला करने बैठे तो आपको 20 माला करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शक्ति का एक संकेत माना जाता है, बुरा संकेत नहीं माना जाता है, सिर्फ संकेत माना जाता है कि आप जितनी साधना कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको साधना करनी है। इसीलिए अगर माला गिर जाए तो उसको धोइए और फिर दुगना जाप कीजिए जितना आप करने वाले थे। अब आते हैं अगर हमारे पास माला ही नहीं है, ठीक है, माला नहीं है तो हम क्या करेंगे, माला नहीं है तो हम कर माला से जाप करते हैं। कर माला किसको कहते हैं, हाथ को कर कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में। तो कर माला मतलब जो हाथ में माला दिया हुआ है उससे जाप करना। तो कैसे करते हैं हाथ के माला से जाप, जब भगवती का हम जाप करते हैं ना, तो रिंग फिंगर, ठीक है, मतलब लिटिल फिंगर के बगल, मिडिल फिंगर के बगल, बीच में जो आपके हाथ की दूसरी उंगली है उसके मध्यमा से, बीच से जाप शुरू करते हैं, उसके मूल में जाते हैं, रूट में जाते हैं, फिर लिटिल फिंगर के रूट में जाते हैं, कानी उंगली के रूट में, फिर उससे ऊपर उठते हैं, ठीक है, फिर टिप से रिंग फिंगर के टिप में, उसके बाद फिर मिडिल फिंगर के टिप में, मिडिल फिंगर के टिप से हम मिडिल फिंगर के रूट में जाते हैं, और 10वीं गिनती जो होती है वो इंडेक्स फिंगर के टिप पर होती है, ठीक है। तो जो मेरू है वो ऊपर का, इंडेक्स फिंगर का ऊपर दो जो घर है वो दोनों मेरू पर्वत हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहीं से हम लोग वापस लौट जाते हैं तो 20 की गणना हो जाती है। जब ऐसे करके 5 बार आप करते हैं तो 100 की गिनती होती है, और लास्ट अंतिम का जो 8 जब आप गिनते हैं तो उसको फिर रिंग फिंगर के मिडिल से ना लेकर के आप रिंग फिंगर के रूट से, ठीक है, वहां से लेते हैं और फिर 8 की गिनती करते हैं। ये तब होता है जब आप भगवती की साधना करते हैं। जब आप महादेव की साधना करेंगे तो जो मिडिल फिंगर का नीचे का घर है, जो दो घर है उसको हम छोड़ देते हैं, और मिडिल फिंगर के टिप के बाद हम इंडेक्स फिंगर के टिप में जाते हैं और फिर उसके रूट तक जाते हैं। तो उसमें जो मेरू है वो मिडिल फिंगर का जो नीचे का दो घर है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये भगवती और महादेव का जो करमाला का जाप है दोनों में अंतर है, ठीक है। कभी भी मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे आप माला पे करें या फिर आप जो है करमाला पे करें, कभी भी मेरू का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। मेरू का उल्लंघन करते ही जाप का जो पूरा फल भाग है वो शून्य हो जाता है। अंतिम विषय है कि मालाओं का चुनाव आप कैसे करें, ठीक है। जब आप रुद्राक्ष लेते हैं तो बेर का जो दाना होता है, ठीक है, उसके बराबर का जो मन का होता है वो जाप के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। और धारण करने के लिए रुद्राक्ष जितना बड़ा हो उतना बढ़िया होता है, ठीक। हमारा जो अपना सनातन धर्म है उसमें 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का ही वर्णन है, और अलग अलग रुद्राक्षों का अलग अलग प्रयोग है, वो कभी और किसी और वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी के लिए इतना समझिए कि जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वही सर्वोत्तम है जाप के लिए। जब आप रुद्राक्ष की माला लें तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें कोई भी मन का खंडित ना हो। ये सारे
मन को के लिए आप किसी भी माला को ले तो उसमें कोई मन का खंडित नहीं होना चाहिए। एक चीज है, जब आप तुलसी की माला लेते हैं तो कई बार तुलसी का जो बीड होता है ना वो बराबर नहीं होता, वो खंडित नहीं होता लेकिन वो बराबर नहीं होता है, तो वैसे में तुलसी की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप स्पेटिक लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि स्पेटिक को हाथ में रख के देखिए कि वो ठंडा है कि नहीं। ठीक है, शीशा का ठंडक और स्पेटिक के ठंडक में अंतर होता है, ये समझने का विषय है। दूसरा, जब आप अंधेरे में देखिएगा तो स्पेटिक का जो है दो स्पेटिक को रगड़ने से चिंगारी निकलती है, ये स्पेटिक का पहचान है। हल्दी की माला वो बहुत बहुतायत नंबर में मिलता है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुतायत मिलता है, उसमें भी कोई डुप्लीकेसी नहीं होती। चंदन की माला, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि चंदन की माला कम से कम प्रयोग करिए, क्योंकि मार्केट में अधिकतम जो है चंदन की माला जो है वो डुप्लीकेट ही आती है। ठीक है, तो जो प्रयोग करेंगे वो चाहे तो सर्वोत्तम करेंगे या ना करेंगे। ठीक है, तो चंदन के बदले तुलसी की माला का प्रयोग करें, तुलसी की माला मिलती है बाजार में, वैजंती माला मिलती है बाजार में। ठीक है, मोती की माला का बहुत जाप होता नहीं है लेकिन मोती की माला में भी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। सस्ता अगर आपको माला मिल रहा है मोती का तो वो अच्छा नहीं है। स्पेटिक का माला सस्ता मिल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब स्पेटिक तो ऐसे भी बहुत महंगा पत्थर है नहीं, मतलब फिर भी अगर आपको 100 रुपए में कोई स्पेटिक की माला देता है तो वो सही नहीं है। रुद्राक्ष की माला 70 से 80 रुपए में अच्छी माला आ जाती है। ठीक है, उसमें ये संशय नहीं करना होता कि रुद्राक्ष असली है कि नकली है। रुद्राक्ष का दाम जो तय होता है रुद्राक्ष के भार पे, उसके डेंसिटी पे। सबसे भारी रुद्राक्ष जो होता है वो नेपाल का होता है, तो सबसे ज्यादा महंगा रुद्राक्ष जो है वो नेपाल का होता है। बाकी जो सारी मालाएं हैं उसमें बहुत संशय नहीं होता। हाँ, यक्षिणी साधना के लिए जो एम्बर की माला प्रयोग होती है वो तब ही खरीदें जब आपके साथ कोई जानकार हो, नहीं तो 100% आप ठगे जाएंगे एम्बर की माला में। देखो, एम्बर और मूंगा तो ऐसा चीज है जो बहुत कम मिलता है और इसमें कुछ मिश्रण करके ही इसको बनाया जाता है, ये सत्य है। लेकिन जो कुछ मिश्रण होता है, ज्यादातर ज्यादा मिश्रण और कम मूंगा और कम एम्बर मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों की माला तभी खरीदे जब आपके पास कोई जानकार व्यक्ति हो। इतना ही माला के विषय में। ठीक है, तांत्रिक विधान से माला का प्रयोग मैं बताऊंगा, मालाओं के विषय में तो बहुत बोल दिया, अघोर के हिसाब से मैं मालाओं का प्रयोग जल्द आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का आगामी जो जो शुरुआती विधान है, आसन, बंधन, भैरव जी की साधना, यंत्र बनाना, ये सब हम आपको सिखाते हैं। और ये जो है जीवन भर का फिर साथ रहता है। कुछ अगर हमारा लेख पढ़ना है तो www.अघोरतंत्रहस पर जाएं, मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ डॉट सी एम फोर सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे, ऐसे मेरे उनसे प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।